हाय दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर टेस्टी मिठाई रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए मैंने ये 3 गाजर लिए हैं, आधा किलो गाजर लिए हैं। इसको हम छील दिया है। अब इसको हम काट देते हैं, पीछे वाला साइड काट कर और आगे वाला साइड, इसको हम दोनों को काट कर अब इसको हम कद्दूकस कर देंगे। इन सबको हम अच्छे तरीके से कद्दूकस करके, आप काट भी सकते हैं, काटने से पकने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसे कद्दूकस करने के बाद हम पकाएंगे तो बहुत ही जल्दी पककर रेडी हो जाएगा। इसी तरह से ये मैंने सारे कद्दूकस कर रेडी कर लिए हैं। एक पैन गैस पर चढ़ाया है, उसमें मैंने एक बड़ा चम्मच देसी घी लिया है। ये देसी घी में बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगी हमारी मिठाई। अब हमने जो कद्दूकस कर रखे थे गाजर, वो लेंगे, इनको हम पैन में डाल देंगे और इनको 2 से 3 मिनट हम अच्छे तरीके से पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट में ये पककर रेडी हो जाएंगे। दो से तीन मिनट हो गए हैं, ये पककर रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हम आधा किलो दूध डालेंगे। ये मैंने 1/2 लीटर दूध डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। जब तक ये दूध पूरा ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पर पकाएं, फुल फ्लेम पर नहीं पकाएं, नहीं तो अच्छे तरीके से नहीं पकेगा और नीचे से जल जाएगा। ये हमारा दूध कम होने को आ गया है। अब 5-10 मिनट में ये अच्छे से पककर रेडी हो जाएगा। अब हम दूसरा पैन चला लेते हैं, कढ़ाई। इसमें हम मावा बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 किलो दूध लिया है। इसको भी हम पकाकर मावा बनाएं। आप फुल फ्लेम में भी पका सकते हैं, अगर आप यहीं पर खड़े होके पकाएंगे तो, नहीं तो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लें चलाते हुए, नीचे से लग ना जाए हमारा दूध। अब हम गाजर को भी देख लेते हैं, ये भी हमारा पकने को आ गया है। अब 2 मिनट के अंदर ही पक जाएगा। अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे 1 चम्मच और चीनी डालेंगे। मैंने 1 कप भरकर चीनी डाल दी है इसमें। चीनी जब तक गल नहीं जाएगी, तब तक हम इसको पकाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर हमारी मिठाई रेडी होगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें। प्लीज़ आपका सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। चीनी हमारी घुल रही है, तब तक हम दूध को देख लेते हैं। दूध भी हमारा अच्छे तरीके से पक रहा है और ये चीनी हमारी घुलकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। ये बॉल जैसा बन जाए तब आपको पता चल जाएगा कि ये पक गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। इसको हमने प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम दूध को इसी कढ़ाई में डाल देंगे ताकि हमारा अच्छे से पक जाए, ना जले। मैंने दूध में 1/2 कप चीनी डाल दी थी जो रिकॉर्डिंग नहीं हुई। इसी तरह हम दूध भी पका लेंगे। 2 मिनट के अंदर ये हमारा मावा भी बनकर रेडी हो जाएगा। ये मावा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। 1/2 चम्मच इलायची पाउडर भी डाल दिया है। इसको भी हम एक
बोल में निकाल देंगे। अब हम अपनी मिठाई बनाना शुरू करेंगे। आप ऐसे ही पीस बना सकते हैं। मैं इसके बोल बनाकर एक शेप देकर अच्छे से बनाऊंगी ताकि देखने में और भी सुंदर लगे। आप इसी तरह ना बनाना चाहें तो बर्फी की तरह भी बना सकते हैं। मैं एक प्लेट आपको बनाकर भी दिखाऊंगी। अब एक कटर से हम काट लेंगे। आप किस कोई भी शेप दे सकते हैं इसको। ये हमने काट कर रेडी कर लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से बन गया है। अभी थोड़ा सा ढीला लगेगा लेकिन जब ये आधे घंटे के बाद जम जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो जाएगी हमारी मिठाई। एक चम्मच मावा लगाएंगे। ऊपर की लेयर हम मावे की लगाएंगे। एक दूसरा हम बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर रेडी होगी। घर पर बहुत ही आसानी से बाजार से कितनी महंगी हम मिठाइयाँ लेके आते इसी तरह से हम सारे बनाकर रेडी करेंगे। गाजर दूध और चीनी हमारे घर पर होती ही है तो क्यों ना हम अच्छे तरीके से घर पर ही बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाकर रेडी कर लें। आधे घंटे के अंदर ही हमारी मिठाइयाँ बनकर रेडी हो जाती है और घर वाले बहुत ही खुशी से खा लेते हैं। घर पर बहुत ही अच्छे तरीके से मिठाइयाँ बनाकर बच्चों को खिलाती हूँ तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। ये मेरी सारी रेडी हो चुकी है मिठाई बनकर। देखिए बहुत ही सुंदर बनकर रेडी हुई है। अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे, गार्निशिंग करेंगे। मैंने पिस्ता बादाम लिया है, इसको हम थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। सारी मिठाइयों भी बना ली है थोड़ी सी एक प्लेट में। अब इसमें हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी लगा देंगे ताकि देखने में और भी सुंदर लगे। ये 15 दिनों तक आप स्टोर कर भी रख सकते हैं और एक महीने के लिए फ्रिज में रखें। ये देखिए हमारी मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है, बहुत ही सुंदर और टेस्टी। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक तोड़ कर आपको मैं बताती हूँ कि कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई है। आधे घंटे के अंदर ये सूख कर रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और दानेदार बनकर रेडी हुई है, बाज़ार से भी अच्छी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।